Okay, actually, I was working before. I was also working for MNC, but that was for the support role. I was not in the technical field. And then they got very happy with the fact that I got placed, that too in the technical field, jahan se maine bahut mehnat kiya. So that was very amazing for them as well. हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडियोडा एलुमनी टॉक्स एंड दिस इज योर होस्ट ऋषभ चटर्जी। आज के वीडियो में हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है व्हिच इज मेघा। सो वेलकम मेघा। हाय ऋषभ, थैंक्स फॉर हैविंग मी एंड कांग्रेचुलेशंस मेघा ऑन गेटिंग प्लेस्ड। एंड आप हमें बताइए कौन से कंपनी में आपका प्लेसमेंट हुआ? Yeah, so currently I am working in Fujitsu Consulting India Private Limited. This is basically product based company for Japan, but here it is consulting company. ठीक है। एंड आपका मतलब जॉब रोल क्या? माय जॉब रोल इज टेक्निकल सर्विस ट्रेनी, माय डेजिग्नेशन नेम, पर हमारा बेसिकली काम रिलाइज ऑन डेटा, एज आई हैव डन डेटा साइंस कोर्स, तो माय जॉब रिलाइज इन मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड बिट ऑफ पाइथन एंड प्राइवेट क्लाउड्स व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय फुजित्सु इटसेल्फ। एंड आपने एडियोडा से कौन सा कोर्स किया था? मैंने एडियोडा से डेटा साइंस का कोर्स किया था इन ईयर 2021। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा जानते हैं कि जब आपको प्लेसमेंट मतलब ऑफर लेटर मिला तो आपका फीलिंग कैसा था? सो लेट मी स्टार्ट दिस। जब हमारा ये हायरिंग प्रोसीजर चल रहा था फुजित्सु के लिए, सो द प्रोसीजर वाज वेरी क्विक, मेरे को इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था एंड आई वाज नॉट इवन प्रिपेयर्ड फॉर दिस, बट जैसे ही हमने रेज्यूम भेजा विद द हेल्प ऑफ सीमांत, आई सपोज एवरीवन नो हु सीमांत इज, उनके हेल्प से हमने सारे प्रोसीजर किया एंड देन आफ्टर विद इन अ वीक एवरीथिंग गेट सॉर्टेड। वहाँ से एचआर का कॉल आया फुजित्सु से एंड देन हमारा टेक्निकल इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। आफ्टर टेक्निकल इंटरव्यू सारी चीजें, सैलरी डिस्कशन एंड ऑल थिंग्स गॉट रैप्ड अप विद इन अ वीक, बट ऑफर लेटर आने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा था। अप्रॉक्सीमेटली इट टुक 1 month फॉर अस टू रिसीव द ऑफर लेटर। तो हम थोड़ा सा ना क्यूरियस हो गए थे और एक बोलते एक डर सा था कि ऑफर आएगा कि भी नहीं आएगा। हमने तो सारी चीजें दे दी है, बट द पीपल फ्रॉम एडियोडा दे हेल्प अस अ लॉट। प्रॉपर अपडेशन देना, सारी चीजों में हेल्प करना। और आई वॉन्ट टू एड वन मोर थिंग, आई गॉट ऑल्सो प्लेस्ड इन कैपजेमिनी एट द सेम टाइम। आई वॉज गिविंग इंटरव्यू फॉर द कैपजेमिनी, तो मेरे दोनों हायरिंग प्रोसेस एक साथ चल रहे थे और दोनों का ही ऑफर लेटर आने में लेट लग रहा था। पर सीमांत कैप्ट इट वेल, उन्होंने मुझे हमेशा अपडेटेड रखा कि आप मैं बात कर रहा हूँ, आई एम रीचिंग देम, वो इतने दिन में आ जाएगा, इतने दिन में आ जाएगा। एंड एग्जैक्टली द डे ही टोल्ड मी एंड प्रोमिस मी, उस दिन मेरा ऑफर लेटर आ गया एंड आई वॉज सो हैप्पी दैट आई गॉट ऑफर फ्रॉम टू एमएनसी कंपनी at the same time for the technical role. That was amazing. That is great. And आपके family का reaction कैसा था जब उनको पता चला कि आपका placement हो गया है? Okay, actually I was working before. I was also working for MNC, but that was for the support role. I was not in the technical field. So they were okay with the fact that I am doing job, but they don't know what kind of job I am doing. So basically I feel stressed out every time. तो उनको देख के उनको भी समझ में आता था कि something is not right. She is working, but problem है कुछ। तो the day I told them कि मेरा दो जगह से प्लेसमेंट हुआ है एंड द सैलरी इज नियर अबाउट सेम, देन आई हैव टू चूज दोनों में से मुझे कहाँ जाना है। तो पहले तो कंपनी का नाम सुन के दे गॉट वेरी एक्साइटेड कि एक्चुअली इट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, राइट? कौन नहीं जानता है वो दोनों कंपनीज को। एंड देन दे गॉट वेरी हैप्पी विद द फैक्ट दैट आई गॉट प्लेस, दैट टू इन द टेक्निकल फील्ड जहाँ से मैंने बहुत मेहनत किया। सो दैट वॉज वेरी अमेजिंग फॉर देम एज वेल। तो मेघा, हमें थोड़ा सा जानना है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स अगर मतलब फुजित्सु में अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हम आप मतलब बता सकते हैं थोड़ा सा तो प्रोसेस कैसा रहता है, स्टेजेस क्या रहता है इन द इंटरव्यूइंग प्रोसेस? तो वहां पे उन्होंने बेसिकली मुझे दे आस्क्ड एवरीथिंग अबाउट पाइथन, लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग टू एडवांस व्हाट पाइथन इज, व्हाट द फंक्शंस इज, एवरीथिंग द टेक्निकल स्टफ एंड आल्सो द एडवांस लाइब्रेरीज व्हिच दे विल बी गोइंग टू नीड व्हाइल दे सिलेक्ट मी। सो बेसिकली माई क्वेश्चन रिलाइज ऑन पाइथन पूरा। तो मैंने पूरा बेसिक से पाइथन को ना अच्छे से एब्जॉर्ब किया था, दैट्स वाई आई विल बी एबल टू क्रैक इट एंड सपोज दैट वॉज नॉट इवन टफ, इंटरमीडिएट काइंड ऑफ यू कैन से।
और मतलब कितना स्टेजेस था? एक ही स्टेज इंटरव्यू हुआ था क्या? No, that was kind of two stages. First was HR round, basic discussion where she asked me about my introduction and what I'm doing currently and what kind of certifications I have done and all. After that, my technical round got scheduled basis on my communication test. उसके बाद then वो salary discussion का round था, तो basically that was three round in all. Plus I have to switch go to Pune in the second wave of COVID. That was again something to worry about. और वो भी support role था. That was not even fully technical. तो उस time मेरे हाथ में job थी नहीं, तो मुझे वो select करना पड़ा and I just moved to Pune then.